हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज नंबर 6.3 पे। पिछले लेक्चर में हमने 6.2 कंप्लीट की थी, उसमें मैंने आपको थ्योरम्स भी बताई थी। वे दोनों थ्योरम्स के प्रूफ इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो हम तीन थ्योरम इस वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उनके सिर्फ स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट हैं, प्रूफ उनका मेनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हो जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6.3, जिसको हम AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। सो लेट्स सी, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब है अगर किसी दो ट्राइंगल्स में कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। थ्योरम नंबर 6.4 इज SSS, साइड साइड साइड। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब है अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर किसी एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल से प्रोपोर्शनल है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। थ्योरम नंबर 6.5 इज SAS, साइड एंगल साइड। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. इसका मतलब है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। प्रोपोर्शनल भी साइड्स बोल सकते हैं हम, और प्रोपोर्शनल एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो ये थी आपकी मेनली तीन थ्योरम्स, इन स्टेटमेंट को आपको सिर्फ समझना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा पेयर सिमिलर है कौन सा नहीं है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बताना, यानी AA रूल यूज़ किया हमने या SSS रूल यूज़ करा है इस टाइप से। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बोलिक फॉर्म। इसका मतलब हमको मतलब प्रूफ भी दिखाना और लास्ट में उनको हम सिम्बोलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो फिगर्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला फिगर आपका कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो ये ऊपर वाले एंगल इक्वल हैं, एंगल ए एंगल पी, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी एंड एंगल क्यू भी इक्वल हैं, ऐसे ही एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल हैं। तो अब ये तीनों हो गए एंगल एंगल एंगल, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से? बाय ए ए ए। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड ट्राइंगल में हम देखें तो बी सी बाय पी आर, बी सी क्या है 2.5, पी आर है 5। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 1/2। ऐसे ही अगर हम ए बी बाय ए आर बाय क्यू आर को देखेंगे, ए आर क्या है हमारे पास, सॉरी ए बी आएगा, ए बी है हमारे पास 2, क्यू आर है 4, ये भी आ गया 1/2। इसी टाइप से हम देखेंगे बचे हुए ए सी और पी क्यू, ए सी है 3, पी क्यू है 6, ये भी आ गया 1/2। अब ये साइड्स की प्रोपोर्शनल सेम है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तीनों साइड्स की बात हुई है, तो बाय एस एस एस। अब हम थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर आपका सिमिलर नहीं होगा, देख लेना आप, मैंने आपको थ्योरम्स भी समझा रखी हैं। फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल एम एन एल एंड पी क्यू आर। अगर इसके अंदर हम एम एन और पी क्यू देखें, एम एन बाई पी क्यू 2.5/5, सेम आएगी 1/2। ऐसे ही अगर हम एम एल और क्यू आर देखें,
एम एल बाई क्यू आर कितना है? 5/10, ये भी आ गया 1/2। 1/2, 1/2 यहाँ तक तो हो गया, एस एस तो हो गया। अगर हम एक एंगल और निकाल लें, एंगल एम एंगल क्यू इक्वल रख देंगे 70 डिग्री। साइड एंगल साइड, ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। ये था फोर्थ फिगर। फिफ्थ फिगर भी आपका सिमिलर नहीं आएगा, आप देख लेना। सिक्स्थ हम देखें तो ये 80 है, एंगल ई इक्वल एंगल क्यू 80 डिग्री। ऐसे ही 70 डिग्री भी ये वाला इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में दे नहीं रखा, यहाँ 70 आपको इक्वल करना है, एंगल डी इक्वल एंगल पी 70 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल आर इक्वल एंगल एफ हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल एंगल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। इन फिगर 6.35, फिगर मैंने यहाँ बना रखा है, क्लियर फिगर है। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, और क्या दे रखा है, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी दे रखा है 125 डिग्री, एंड सी डी ओ, सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री। हमको एंगल्स कौन कौन से निकालने हैं, हम एक बार वो लिखेंगे। ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी सी ओ, ट्राइंगल ओ ए बी, ये तीनों एंगल हमको निकालने हैं। अगर हम फिगर में सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये डी बी एक लाइन है, डी बी एक लाइन है, तो इसका कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ट्राइंगल एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होगा। डी ओ सी हम यहाँ से निकाल लेंगे, बी ओ सी 125 डिग्री गिवन इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी ओ सी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 125 कितना आएगा, 55 डिग्री। आगे चलते हैं हम, डी ओ सी हमारे पास आ गया 55 डिग्री। आगे हमको निकालना है डी सी ओ, डी सी ओ, अब कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमारे पास डी सी ओ भी निकल जाएगा, 70 प्लस 55 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल डी सी ओ भी आ जाएगा 55 डिग्री। ये भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल हमको निकालना है। ये वाला एंगल भी आपके पास 55 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीज़न आप लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, इसका हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रैपीजियम ए बी सी डी, फिगर के अंदर हमको पता चल रहा है कि इसके अंदर एक ट्रैपीजियम है। ट्रैपीजियम हम बना लेते हैं, ट्रैपीजियम ए बी सी डी। डायगोनल क्या है, ए सी एंड बी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको बताना है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो डैट, टू प्रूव ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। अब ये कैसे हो सकता है, ये हम सिंपली कर सकते हैं जब हम ट्राइंगल ए ओ बी
को ट्रायंगल डीओसी के सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी हम लेट कर लेंगे एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर। एंगल वन इक्वल एंगल टू कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका हो गया ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी बाय एए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ये सिमिलर हो गया तो हम बाय सीपीसीटी ओए बाय ओसी इज इक्वल टू ओबी बाय ओडी बाय सीपीसीटी हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिगर दे रखा है, हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर हमको कुछ इस टाइप का दे रखा है टी पी क्यू एस आर, और हमको दे रखा है एंगल टू एंड एंगल वन। इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस गिवन पार्ट में हम लिखेंगे क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। हमको दिखाना क्या है? टू शो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ये हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ सबसे पहले एंगल वन इक्वल एंगल टू गिवन है हमको। अगर एंगल वन क्या है? ट्राइंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल पी आर एस। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल पी आर। किस रीज़न से? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हो जाएगा हमारे पास रीज़न। अब हम लेंगे ट्रायंगल। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर जो हमको प्रूफ करने हैं ये वाले ट्रायंगल हम ले लेंगे। पहला रीज़न तो यही हो गया क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। सेकेंड रीज़न क्या हो जाएगा? हम पी आर की जगह पी क्यू रख देंगे। क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। क्यों? पी आर पी क्यू के इक्वल है तो हम ये रख सकते हैं। फिर इस रीज़न से क्या आ गया हमारे पास? ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। अब ये हो गया तो हमारे पास तीन रीज़न हो गए। हैंस ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सिंपली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फिगर नहीं दे रखा है, फिगर मैं आपको साथ साथ बनवाऊंगा। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। पी आर पर पॉइंट है एस, क्यू आर पर पॉइंट है टी। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। सच डैट गिवन क्या है हमारे पास? एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस। प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू। सॉरी, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख दिया। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ये हमको सिमिलर प्रूफ करना है, या फिर हम इनको मार्क कर लेते हैं। एंगल पी एंगल एस सिमिलर प्रूफ करने हैं हमको। तो हम करेंगे सबसे पहले ये ट्राइंगल ही हम लेंगे। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड
ट्रायंगल RTS। ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे, एक तो हमको दे ही रखा है एंगल P इक्वल एंगल RTS गिवन, सेकंड हम लेंगे एंगल R इक्वल एंगल R। क्यों लेंगे? अगर हम देखें RPQ एंड RTS दोनों के अंदर एंगल R आ रहा है, तो एंगल R हो गया कॉमन। सिंपली अब हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, एंगल RP इज इक्वल ट्रायंगल RP इज इक्वल टू ट्रायंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन फिगर 6.37 फिगर बना लेते हैं हम ABC डी एंड ई। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्राइंगल ए सी डी। तो हमको दिखाना क्या है? ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई तो हमारे पास हो गया ये ट्राइंगल, और ए बी सी हो गया ये बड़े वाला ट्राइंगल। इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। हम सबसे पहले यही ट्रायंगल्स को लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, या फिर इस क्वेश्चन में ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको रहने ही देना। सबसे पहले हम इसी गिवन पार्ट को लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इसके बाद सेकंड रीज़न हो गया हमारे पास ए बी इक्वल ए सी, ये वाला तो था हमारे पास गिवन, और ये हो जाएगा हमारे पास बाय सी पी सी टी। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा ए ई इक्वल ए डी, ये भी इसका भी रीज़न हो जाएगा बाय सी पी सी टी। अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास ए बी बाय ए सी, ये हम लिख देंगे ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ ए डी बाय ए ई। इसके बाद लिख देंगे ट्राइंगल डी ए ई इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ए सी, या फिर एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन, ये हमारे पास है कॉमन। इन सब से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीट हो गया। Now let's see question number 7th of this exercise. In figure 6.38 वाला figure आपका ये है, मैंने यहाँ पर बना रखा है altitudes AD and CE। ये जो AD and CE है ये altitudes हैं of triangle ABC intersect each other at point P। ये point P पर intersect करते हैं। Show that हमको दिखाना क्या है? Part number 1st triangle AEP similar टू ट्राइंगल सी डी पी, ये हमको सिमिलर प्रूफ दिखाना है। तो हम यही दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। ए ई पी वाला ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, और सी डी पी वाला ट्राइंगल ये हो गया। अगर हम देखें तो दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये 90 डिग्री वाले तो लिख देंगे। क्या है? एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी 90 डिग्री। और अब आपके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, लिख देंगे हम एंगल ए पी ई इक्वल एंगल सी पी डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी by AA similarity criteria। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1st। पार्ट नंबर 2nd इज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। यही दो ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ए बी डी वाला तो आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया, और सी बी ई वाला ये वाला ट्राइंगल हो गया। 90 डिग्री तो अभी भी दोनों में आ रहा है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू
एंगल सी ई बी 90 डिग्री तो अभी भी हैं ये दोनों, और इसके अंदर कॉमन आएगा आपका, कॉमन क्या आएगा इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में बी आ रहा है तो एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन। सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटीरिया। इसी टाइप से आपके थर्ड फोर्थ पार्ट होंगे, थर्ड पार्ट है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, यही दो ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ए ई पी वाला तो आपका ये वाला ट्राइंगल है, ए डी बी वाला ये वाला ट्राइंगल है, 90 डिग्री तो अभी भी दोनों में आ रहा है, 90 डिग्री वाला आपका चारों पार्ट्स में आएगा, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री। अब इसके अंदर भी आपका कॉमन आ रहा है कुछ, कौन से वाला कॉमन आ रहा है, एंगल ए, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन। सेम हो जाएगा यहाँ पर फिर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटीरिया। इसी टाइप से आपका फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको फिगर नहीं दे रखा है, फिगर हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब हम वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, जो ए डी एक साइड है इस पर एक पॉइंट है ई। आगे है बी ई इंटरसेक्ट्स, बी ई है वो सी डी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट एफ पर, ये बन गया हमारे पास फिगर। फिगर थोड़ा टिपिकल था, हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ये हमको प्रूफ करना है, तो हम यही दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ए बी ई कौन सा है, ए बी ही है आपका ये वाला ट्राइंगल, सी एफ बी ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों में आपके पास फर्स्ट तो हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी, कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकंड रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, एंगल ए ई बी इक्वल एंगल सी बी एफ, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर लास्ट में ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय ए ए क्राइटीरिया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, ये राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल डेट बी एंड एम, हमको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, फर्स्ट रीजन क्या होगा, राइट एंगल का हो जाएगा एंगल बी इक्वल एंगल एम 90 डिग्री। सेकेंड रीजन क्या होगा, दोनों के अंदर एंगल ए आ रहा है, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन। फिर आपका ये हो गया सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। सेकेंड पार्ट क्या है, सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी। अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, आपको सिर्फ रीजन लिखना है,
कोरोस्पोंडिंग कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट। मे बी आपको इन क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हो, क्योंकि प्रूफ के क्वेश्चन थे, और प्रूफ के क्वेश्चंस जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप खुद निकाल के नहीं देखोगे। तो आप खुद निकाल के देखना, अगर फिर भी कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। एंड टू स्टे अप टू डेट विद आर मोर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।